स्काइप पर पाकिस्तान की परमाणु धमकी के बीच उसी के हवाई क्षेत्र से लौटे पीएम मोदी। G7 सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता और बयान ने कूटनीति की नई ऊंचाई छू लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने परमाणु बम तक की धमकी दे दी। मोदी और शाह को याद रखना चाहिए कि वे भी एक दिन पूर्व होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा से SPG हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को याद रखना चाहिए कि वो भी एक दिन पूर्व होंगे। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कमलनाथ के मंत्री बोले, मोदी काका कैसे कैसे लोगों की कर ली भर्ती। कमलनाथ सरकार में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सीधे PM नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि इसका जवाब तो PM साहब को देना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को सांसद बना दिया। प्रज्ञा ठाकुर को तो किसी मंदिर की जवाबदारी दे देनी चाहिए, इसी में भगवान और जनता का भला होगा। इमरान के मंत्री ने ट्विटर को बताया PM मोदी का प्रवक्ता। ट्विटर ने कश्मीर मामले पर एक वीडियो शेयर करने को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को नोटिस भेजा है। इस पर पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने ट्विटर पर PM मोदी और भारत सरकार की तारीफदारी करने का आरोप लगाया है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।